कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग जो कि कल से शुरू होने वाली है। उसके बारे में पूरे डिटेल से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो कल के काउंसलिंग से पहले आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इन दोनों नंबर पर बात करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, और आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो मात्र 999 रुपए में। आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तब तक सारी सर्विस हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बच्चों, और यूपी में मैक्सिमम कॉलेज जो है अपनी फीस स्ट्रक्चर जो है उसको कम करती है, जितनी उनकी फीस है ऑफिशियल उससे कम फीस पे आपकी एडमिशन देती है बच्चों। तो आप हमारी टीम से जरूर बात करो, मैक्सिमम कॉलेज में कोशिश हम करेंगे कि आपकी फीस ज्यादा से ज्यादा कम कराई जा सके। ठीक है बच्चों, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये विवरण पुस्तिका है 2023-24 सेशन के लिए उत्तर प्रदेश के आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, इसमें जो जनरल चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि कैसे कैसे चीजों को करना है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दी गई है, इन नंबर का कल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके सारे डाउट पूछ सकते हो, बैंक रिगार्डिंग, हेल्पलाइन, ये सारी चीजों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर दी गई है उनके तरफ से। ठीक है, अब ये काउंसलिंग शेड्यूल है जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग जो है वो आपके होगा 8 से लेकर के 10 तारीख तक, तो इस बार सिर्फ 3 दिन का समय है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, हो सके तो किसी अच्छे काउंसलर से पेड काउंसलिंग जरूर ले लीजिएगा। बहुत ज्यादा चार्जेज नहीं होता है अभी के समय पेड काउंसलिंग का, मेरे आने के बाद सारे लोगों की पेड काउंसलिंग सर्विस की चार्जेज बहुत कम हो गई है। धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि जो है 8 से लेकर के 11 तारीख तक है, 4 दिन का समय दिया गया है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 9 से लेकर के 13 तक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट जो 14 को रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, च्वाइस फिलिंग जो आप कर सकते हो 15 तारीख और 16 तारीख को। ठीक है, जिन बच्चों को भी च्वाइस फिलिंग हमसे कराना हो, च्वाइस फिलिंग, ओनली च्वाइस फिलिंग का कोई चार्जेज आपको देना नहीं पड़ेगा हमारी टीम को। हमारी टीम से जरूर च्वाइस फिलिंग आप कराएं, थोड़ी बहुत चार्जेज हमारी टीम लेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी सिस्टम है तो सारा को चलाने के लिए थोड़े बहुत खर्चे की जरूरत पड़ती है, तो मात्र 999 रुपये आपसे चार्ज किया जा रहा है इस सारे प्रोसेस के लिए। और सीट अलॉटमेंट लेटर जो है 17-9 को आएगी। ठीक है, नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा सकते हो 18 से 20 नवंबर तक। जो लोग हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेंगे उनके लिए जो है नोडल सेंटर पर भी कुछ ना कुछ हमारे तरफ से गाइड जरूर दी जाएगी, हेल्प जरूर दी जाएगी। अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो 22-9-2023 को। ठीक है, उसके बाद प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन की सहमति पत्र जो है 22-9-2023 को जमा कर सकते हैं। ठीक है, अपग्रेडेशन परिणाम घोषित जो है आपको 23 तारीख को आ जाएगी। और नोडल सेंटर पर नए प्राप्त अभ्यर्थियों को मूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24-9 को करा सकते हैं और अपग्रेडेड कैंडिडेट का जो डाउनलोड कर सकते हैं 25-9 से। ये फर्स्ट राउंड की शेड्यूल दी गई है, सेकेंड राउंड और आगे की शेड्यूल बाद में रिलीज की जाएगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सारा चीजें हैं वो आप समझिए। ऑनलाइन पंजीकरण ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा, पंजीकरण शुल्क जो है 2000 रुपए आपको सारे कैटेगरी के लिए देना होगा। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी मनी जो है 20,000 आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जमा करना होगा, 50,000 प्राइवेट कॉलेज के लिए करना होगा। अब क्या हो गया, आज हमने जब बच्चों ने डाउट पूछना शुरू किया तो कुछ पेरेंट्स से बोला कि सर आप हमारा सिक्योरिटी मनी लेके भाग जाओगे, तो बच्चों जो जो भी सिक्योरिटी मनी है वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट काउंसलिंग कमेटी के अकाउंट में जाती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हमें सिर्फ आपसे जो 1,000 रुपये मिलता है वही मिलता है, उसके अलावा हमें आपसे कोई भी लोभ नहीं है। अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको हम दिलाते हैं वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, और कॉलेज की फीस भी मैं आपको कम करा सकता हूँ। पंजीकरण शुल्क और धरोहर राशि का ऑनलाइन भुगतान बिना पंजीकरण प्रक्रिया कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है वो अग्रिम चक्र में प्रतिभाग करना चाहता है अथवा प्रथम और द्वितीय चक्र के प्रवेश के उपरांत द्वितीय और तृतीय चक्र में पूर्ण आवंटन कराना चाहता है तो उसे पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, पहला चीज, दूसरा चीज, जिन बच्चों का प्रथम द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरांत भी पुनरावंटन कराना चाहते हैं, फिर से कॉलेज अलॉटमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है, फिर से अलॉटमेंट कराना चाहते हैं ना, उनको भी सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम और द्वितीय चक्र में आवंटन अपग्रेडेशन के उपरांत आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं तो फिर से वो सिक्योरिटी मनी जमा करके तृतीय चक्र में भाग ले सकते हैं। धरोहर राशि के भुगतान न करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन करने का जो ऑप्शन नहीं, यानी च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्रवेश के उपरांत धरोहर धनराशि जिन अभ्यर्थियों का सीट आवंटन के पश्चात संबंधित कॉलेज में प्रवेश ले लिया हो और जिन अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो
उनकी धरोहर जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको सभी चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद आपकी वापस कर दी जाएगी। ये 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस जाएगी जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है, यानी जिस बैंक अकाउंट से आपका कलेक्शन हुआ है उसी में वापस जाएगा। ठीक है, तो साइबर कैफे और किसी काउंसलर से करा रहे थे इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अभ्यर्थी जो है धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। किस किस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा बहुत अच्छे से समझिए, कोई नहीं समझाएगा इसको, मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेता है, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, बहुत सिंपल समझिएगा, आपने नोडल सेंटर पर रिपोर्ट किया, उसके बाद कॉलेज अलॉट हो गया, आपने कॉलेज में ना रिपोर्ट किया ना एडमिशन लिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, समझ गए। द्वितीय राउंड में आपको कॉलेज में अलॉट हुआ, ठीक है, नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो भी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तृतीय राउंड में भी यही कंडीशन है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी सेम कंडीशन है कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया और एडमिशन नहीं लेते हैं, तो प्रथम और द्वितीय चक्र काउंसलिंग से आवंटित और प्रवेशित अभ्यर्थी यदि आप ग्रेडेशन के उपरांत अपग्रेडेड कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता, जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने अपग्रेड करा दिया, ठीक है, समझिएगा अच्छे से बच्चों, अपग्रेड करा दिया। अब भैया आप अपग्रेड कराने के बाद आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज चेंज हो गया और प्लेस चेंज होने के बाद इस कॉलेज में आपको जाके हर हाल में एडमिशन लेना होगा, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। अब एक सवाल बच्चे ये पूछ सकते, सर हमारा अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको इसी कॉलेज में रहना होगा। ठीक है बच्चों, यदि आयुष एडमिशन काउंसलिंग कमेटी CCC से अभ्यर्थी की सीट आवंटित होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, CCC से अभ्यर्थी की अगर सीट आवंटित होती है तो उसे शिक्षण शुल्क प्रवेश शुल्क 1,000 रुपए छोड़ करके धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट अलॉट हो जाती है और स्टेट कोटा से भी आपको सीट अलॉट हो गई चुकी है जहां एडमिशन आप ले चुके हो, तो आपकी टोटल फीस में से 1,000 रुपए काट करके आपके सारे फीस वापस कर दी जाएगी। ये कंडीशन थी सिक्योरिटी फी की। अब काउंसलिंग समझ लेते हैं पोर्टल को फ्लो चार्ट से। राउंड वन की काउंसलिंग के लिए नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर लेंगे आप, सिक्योरिटी मनी जमा कर दीजिएगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, स्टेट मेरिट आ जाएगी, उसका चॉइस फिलिंग लॉकिंग करना है, उसका टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट आने के बाद आपको नोडल सेंटर जो होम्योपैथी कॉलेज लखनऊ है वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर दो कंडीशन होगा, एडमिशन करा करके आप ग्रेड करा सकते हो, दूसरा रिजाइन कर सकते हो। अगर उस कॉलेज में आपको नहीं पढ़ना है तो रिजाइन आप कर सकते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी। अगर आप सीट रिजाइन करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, नॉट अलॉटेड वो बच्चे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो राउंड वन अपग्रेडेशन सीट ऑफ अलॉटमेंट होगी। ठीक है, तो इफ नो पार्टिसिपेट इन राउंड टू काउंसलिंग, जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर जिसको अलॉट नहीं हुआ है, मान लीजिए जिसको फर्स्ट राउंड में अपग्रेड भी नहीं हुआ, सीट अलॉट नहीं हुआ, तो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अपग्रेडेशन वगैरह नहीं हुआ था। न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट को रिपोर्ट करना होगा नोडल सेंटर पे अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब मान लीजिए कि सीट खाली थी, अब उस बच्चे ने अपना फिर से जो पार्ट लिया और पार्ट लेने के बाद जो न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट है, नया जो बच्चे है, उनको पार्टिसिपेट करने का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनको फर्स्ट कॉलेज से दूसरे कॉलेज में सिर्फ ट्रांसफर होगी, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको फीस वगैरह सब वापस कर दी जाएगी। वेरीफाइड डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, रिपोर्ट टू कॉलेज एंड कंप्लीट एडमिशन, रिशफलिंग हो सकती है, सेकेंड राउंड में आप रिशफलिंग कर सकते हो, रिजाइन भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आया तो उस कॉलेज की सीट को आप छोड़ सकते हो। राउंड टू काउंसलिंग, राउंड टू काउंसलिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी पार्ट ले सकते हैं, उसके बाद वैकेंट सीट शो करेगा कितना सीट खाली है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फी, रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी वनी वगैरह जमा होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पब्लिकेशन होगा, स्टेटमेटिक चॉइस फिलिंग लॉकिंग होगा। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल होगा। राउंड वन रजिस्टर्ड कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। नॉट अलॉटेड कैंडिडेट जो है, जिन कैंडिडेट को अलॉट नहीं हुआ है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस सबमिटेड राउंड वन वाला नल वॉइड माना जाएगा। फ्रेश चॉइस सबमिशन ऑफ राउंड टू इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, अपग्रेड करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, राउंड वन में पार्ट लिया, सीट अपग्रेड हो गया, कोई कॉलेज में चला गया, फिर भी वो काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए, उसके लिए उनको कोई भी फीस देनी नहीं होगी। लिस्टेड कैंडिडेट जो है वो टेंटेटिव लिस्ट रिपोर्ट करके नोडल सेंटर जाना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपको यस तो अगर वेरिफिकेशन हो गया तो डाउनलोड कर लेना है अलॉटमेंट लेटर को और रिपोर्ट करना है कॉलेज में, वहां पर भी जाकर के सेकेंड राउंड में आप सीट को रिजाइन कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी।
विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन होगा सेकेंड राउंड में, कैंडिडेट नॉट अलाउड विल ऑल्सो इंक्लूड इन द अपग्रेडेशन ऑफ प्रोसेस, राउंड वन वाले अपग्रेडेड कैंडिडेट भी पार्ट लेंगे। राउंड टू अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट होगी इफ नॉट पार्टिसिप इफ नो अगर कोई अपग्रेड नहीं होती है या पार्ट, तो पार्टिसिपेट ले सकते हैं राउंड थर्ड काउंसिलिंग में। अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तभी आप पार्ट ले सकते हो थर्ड राउंड में, जैसे फर्स्ट राउंड में आपका अपग्रेड नहीं होता है तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्ट ले सकते थे। ठीक है, न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट को रिपोर्ट करना होगा नोडल सेंटर पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा नोडल सेंटर पे, फिर उसके बाद वेरीफाइड डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर को और रिपोर्ट करना है, कॉलेज में जाकर एडमिशन प्रोसेस लेना है। यहाँ पर भी राउंड थर्ड में भी आप क्या कर सकते हैं, सीट को रिजाइन कर सकते हैं, राउंड सेकेंड में भी सीट रिजाइन कर सकते हैं, रिशफलिंग भी हो सकती है राउंड थर्ड के लिए। राउंड थर्ड काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह होगी, वैकेंट सीट डिस्प्ले होगा, सारा प्रोसेस सेम होगा। कैंडिडेट को सीट रिजाइन करना होगा 48 आवर बिफोर द चॉइस फिलिंग। जो सेकेंड राउंड वाले बच्चे हैं जिनको सिक्योरिटी मनी नहीं चाहते कि जाए, उनको 48 घंटे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग से पहले आपको सीट रिजाइन करना होगा। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, एडमिटेड कैंडिडेट राउंड वन राउंड टू भी पार्ट ले सकते हैं रिशफलिंग के द्वारा। समझिए, जैसे भैया आपको राउंड वन में कॉलेज अलॉट हो गया, फिर राउंड टू में भी अलॉट हो गया, फिर भी आप राउंड थर्ड में पार्ट ले सकते हैं रिशफलिंग प्रोसेस के द्वारा। रिशफलिंग के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, रिशफलिंग प्रोसेस के द्वारा चॉइस सबमिटेड जो सेकंड राउंड में कंसीडर नहीं होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करना होगा, उसके बाद टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद डाउनलोड करना होगा अलॉटमेंट लेटर और रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में और कंप्लीट करना होगा एडमिशन प्रोसेस। राउंड थर्ड में कंटिन्यू करना होगा स्टडी को, कोई भी कॉलेज की फ्री एग्जिट नहीं कर सकते थर्ड राउंड में, यानी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हो लेकिन थर्ड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो। इफ नॉट अलाउडेड गो टू स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अगर जिन बच्चों का कॉलेज अलॉट नहीं होता है वही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, नीट क्वालिफाइड रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह होगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, चॉइस फिलिंग लॉकिंग होगी, टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ईपीएस डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर और कंटिन्यू करना होगा स्टडी। यहाँ पर भी यानी कि मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज इस पेज में कुछ ज्यादा नहीं है, सिक्योरिटी मनी को लेकर के जो बातें थी मैंने आपको समझा दिया। डेट वगैरह के लिए जो भी बच्चे हैं, जो स्टेट के बच्चे हैं, ऑल इंडिया कोटा जो यहाँ की ओपन प्रोसेस होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जब सारी चीजें अच्छे से करनी है। आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह से हमारी टीम से जरूर बात करो। 20,000 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, 50,000 प्राइवेट कॉलेज के लिए मैंने पहले ही बता दिया बच्चों। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है, ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या होगा, हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र का मतलब होता है एडमिट कार्ड, ठीक है, तो 10th की एडमिट कार्ड और प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र मतलब 10th की मार्कशीट आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा की मार्कशीट और एडमिट कार्ड, मतलब 12th की भी आपको मार्कशीट और एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। नीट यूजी का स्कोर कार्ड, जो नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको अपलोड करना होगा। आरक्षण से संबंधी जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, शासन आदेश के अनुसार जो बच्चे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा दोनों या कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से बाहर से पास किए हैं उन्हीं को डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो यूपी से ही किए उनको नहीं करना होगा। आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको, यानी 6 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है ऑनलाइन। और ऑफलाइन में आपको नीट यूजी का प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड, हाई स्कूल और समकक्ष अंक पत्र और प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, ठीक है, इंटरमीडिएट का भी सेम चीज, सामान्य निवास प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दान किया गया है, राजकीय कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको क्या करना है, जो भी एनएससी सर्टिफिकेट जो भी भारत सरकार के द्वारा अवगत किया गया वो आप जमा कर सकते हो। निजी क्षेत्र में 15% ऑल इंडिया कोटा सीट है तो संबंधित निर्देश निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर शैक्षणिक आकारी परीक्षा न्यूनतम प्रतिशत नीट 2023 के न्यूनतम परसेंटाइल अंकों के छूट के नियम अनुसार अनुमन्य हो गया। ठीक है, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो निगेटिव से बना हो, नीट यूजी का पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह जमा करना होगा। काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान की स्पष्ट प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा नोडल सेंटर पर। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारी टीम से बात कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।